हेलो गाइस, एपीएस विंटर सर्विस में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए देख सकते हो लेके आए हैं सास, जो कि ऑल इन वन प्रिंटर है, सबसे बेस्ट प्रिंटर है। इसको आप परचेस करोगे तो कभी लॉस ही नहीं होगा। और मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी फुल जानकारी मिलेगी। इसमें हम आपको बताने वाले कौन कौन से फ्यूचर हैं, क्या क्या इसमें प्रॉफिट है, सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहले हम यहाँ चले आते हैं, इसकी रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट निकालना है, टूल में जाएंगे, रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हो आप। स्टेटस रिपोर्ट, ये स्टेटस रिपोर्ट हो गई, अभी आ जाएगी बाहर फटाक से। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होगा आपको इसमें देख सकते हो। पूरी परफेक्ट प्रिंट की क्वालिटी आ रही है, कौन कौन सा कलर आ रहा है, कौन कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक रहेगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा कलर नहीं आ रहा है। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्वालिटी रिपोर्ट की। यहाँ पर जाके टूल में यहाँ चले आना है, उसके बाद यहाँ प्रिंट क्वालिटी यहाँ देख सकते हो, प्रिंट क्वालिटी क्लिक कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। आपको इसमें मैं फ़ोटो भी मार के दिखाऊंगा कि फ़ोटो की क्वालिटी कैसी आती है और क्या क्या फ्यूचर, सबसे बेस्ट प्रिंटर है। अगर आपके पास डेली का अच्छा खासा प्रिंट आ रहा है तो एकदम, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, रिपोर्ट आ गया है। तो अभी हम इसमें बात करने वाले हैं झरोक्स की। तो अभी हमको झरोक्स मारना है। तो यहाँ पे मैंने दो कार्ड रख दिया, इसकी क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त आएगी ब्लैक एंड वाइट कलर में। यहाँ स्क्रीन पे आ जाना है आपको, यहाँ पे सब सिस्टम लिखा हुआ है, आपको सब बताने वाले हैं कैसे क्या। अभी आपको कलर मारना या ब्लैक एंड वाइट मारना है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाता है, कलर कलर पे क्लिक करोगे तो ग्रे स्केल आएगा और कलर आएगा। तो हमको कलर मारना है तो कलर यहाँ से आपको कॉपी कर देना है। डुप्लेक्स है इसमें, मतलब पूरी फैसिलिटी इसमें आपको मिलेगी। ये देख सकते हो इसकी क्वालिटी भी एकदम बेहतरीन आती है। अभी हम एक ब्लैक एंड वाइट की बात कर लेते हैं, कैसे ब्लैक एंड वाइट आएगा इसमें। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हम देख लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट अभी मैंने प्रिंट कर दिया है। तो जिसको प्रॉब्लम आ रहा कोई भी, इसका मैं फुल इंजीनियर हूँ, कोई भी काम इसमें मतलब अपने पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट और कलर। अभी हम इसमें आ जाते हैं डुप्लेक्स, डुप्लेक्स कैसे प्रिंट करना है इसमें, आगे पीछे एक ही बार में होना चाहिए। तो यहाँ पर डुप्लेक्स कर दिए, उसके बाद प्रिंट छोड़ दिए। अभी ये यहाँ पे आपको दिखाने वाला है, पहले आगे का होगा फिर आपको पलटी करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे डुप्लेक्स का ऑप्शन, तो इसमें डुप्लेक्स भी होता है। अभी हम आईडी की बात, ये देखो यहाँ पे मांग लिया है कि अभी इसको ऐसा कर दिए, यहाँ पे ऐसा कर दिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेपर रिटर्न जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न बैक चला गया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आगे और पीछे दोनों साइड डुप्लेक्स हो गया। अभी हम बात करते हैं आईडी, आईडी कैसे मारें, क्या लिखा है।
आईडी कार्ड फोटो कॉपी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको साइड में रख देंगे, इसमें पेपर को पलटी नहीं करना है आपको, जैसे रख देना है, उसके बाद बंद कर देना है। यहाँ पे आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा स्क्रीन पे। पहले फ्रंट होगा फिर बैक होगा, ये भी बोल दिया यहाँ पे बैक, तो इसको हम बैक में यहीं पे पलटी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सबसे बेस्ट प्रिंटर है, मतलब ऑल इन वन में, इसका स्पीड भी फास्ट है, मतलब हर फ्यूचर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एडीएफ भी देखने के लिए मिल जाता है, इसमें सारे फ्यूचर हैं डुप्लेक्स। और इसका ट्रे जो है इसमें 300 से 400 सीट, मतलब आपको पेपर पलटी नहीं करना है, एक ही बार में आगे पीछे का आपको, ये देखो पेपर को पलटी नहीं करना है। तो अभी ये हो गया, अभी हमको एडीएफ से प्रिंट मारना, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। जैसे अपने पास अभी तीन जेरोक्स आ गया, तो एडीएफ का फायदा आपको प्रॉफिट यही बताने वाले हैं। जैसे कि ये आ गया, चार पेज है, तो हमने इधर लोड कर दिया। उसके बाद यहाँ कॉपी में चले आए, और यहाँ से कुछ करना नहीं, खाली दबा देना है बटन, उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक एक लेता रहेगा। कभी कभी क्या ख़राब हो जाता है ये, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता रहता है, तो ऐसे वन बाई लेता रहेगा। तो इसका एडीएफ भी ख़राब है, तो ऐसे आप रख दोगे तो प्रिंट होता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो फंस चुका है, तो इसको कुछ करना नहीं यहाँ, क्योंकि क्या कोई कोई कीमती पेपर होते हैं ना, तो उनको एडीएफ से हम लोग करेंगे, फंस जाएगा तो अपना कस्टमर भड़क जाएगा। तो इसके लिए एडीएफ से कम यूज करें, जब आपका एडीएफ बराबर हो, क्योंकि मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया, इसके लिए हमने चेक करा दिया। अभी हम बात करने वाले फ़ोटो की, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोटो पेपर लोड कर दिया है, जो कि अच्छा है, तो बंद कर देंगे। उसके बाद हम इधर पीसी में आ जाएंगे, चार फोटो मैंने ले लिया, यहाँ पे देख सकते हो 790A4। यहाँ पे आप फोटो पेपर कर सकते हो, फोटो मारने के लिए यहाँ पे हाई और बेस्ट का बेस्ट क्वालिटी का आता है, तो अपन नॉर्मल में निकाल लेंगे, क्योंकि अपना प्रिंटर एकदम परफेक्ट। यहाँ से मैंने प्रिंट छोड़ दिया है, अभी हम प्रिंटर की तरफ आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे प्रिंट ले लिया, तो आप फॉर्म खोल के भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये लॉक करना पड़ता है, इसकी क्वालिटी भी देख सकते हो, और इसका जो भी है आपके सामने है, और जो भी हम जानकारी देंगे वो एकदम परफेक्ट देंगे आपको। कोई गलत जानकारी मैं नहीं दूंगा, वो भी चलेगा, लेकिन गलत जानकारी नहीं देता हूँ। और आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं आप लोग, वहाँ पे भी वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो कि आईडी का नाम है सनी निर्मल 31, वहाँ पे जाके फॉलो कर लें। ये देखो इसकी फोटो की क्वालिटी,
लमसम अच्छी ही आती है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अभी यहाँ पे अपनी हो गया पूरा ऑल इन वन चेक। अभी हम इसमें चेक करने वाले हैं इसकी स्पीड। अगर हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट देंगे तो कितनी फास्ट आएगी। तो यहाँ मैं पीसी में आ गया हूँ, कोई भी फाइल हम ओपन कर लेंगे पहले। फाइल ओपन कर लिए, इसको प्रिंट में चले जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे हम 790, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे प्रिंटर हैं, आपके पास एक दो ही होंगे। सात सौ नब्बे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आ जाएंगे, आपको जो भी यहाँ चाहिए सब सिलेक्ट कर सकते हो। एडवांस में जाके कितना पेज चाहिए क्या है, तो हम यहाँ से प्रिंट को छोड़ देंगे। यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग है। तो अभी मैंने प्रिंट छोड़ दिया है, तो अभी इसका स्पीड आप लोग देखिए। इतना फास्ट, मतलब मिनट में कम से कम 20-30 कॉपी मिनट में निकाल देगा, ये देख सकते हो। और इसकी क्वालिटी भी एकदम, मतलब दिखती है कि हाँ कुछ निकाला हुआ है। तो चले अभी ये वीडियो यहीं पे लास्ट होता है।